Hello friends, welcome back to my channel. श्रुति वर्कनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बना रही हूँ दाली फ्राई। तो देखिए, ये मैंने मैदा लिया है, इसमें अभी नमक डाला है मैंने स्वाद के अनुसार। अब डाल रही हूँ बेकिंग सोडा फूलने के लिए। तो देखिए, ये डालना जरूरी है इसको, नहीं तो वो फूलेंगे नहीं, चाटते नहीं भराएंगे फिर उसमें। ठीक है, अब डाल रही हूँ घी इसमें 1 कप। घी डाला है, उससे अच्छा वो फ्लेवर अच्छा आता है उसका। एकदम उसको भूसूंगी आटे को। ज़्यादा ऐसे अपन गेहूँ का आटा मापते ना रोटी बनाने के लिए, ऐसे नहीं मापते हैं, वरना वो चाशनी नहीं भराती है उसमें अंदर तक। ऐसे ऐसे करते हैं इसको। बेबी इधर मत करो बेटा, वो गिर जाएंगी। इधर उधर जाओ आपकी गाड़ी लेके, उधर जाओ आपकी गाड़ी लेके। देखना कहाँ गाड़ी चलाने आ रही है, जल्दी जाओ उधर वापस। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। लाडो, अरे यार सुनते क्यों नहीं हो, पानी गिर जाएगा ना। ऐसे ऐसे हल्के हाथों से करना है, ज्यादा वैसा नहीं करना, नहीं तो वो एकदम कड़क टाइप में हो जाता है। क्या है क्या कर रहे हो आप? मैं ऐसे ऐसे कुंदी नहीं देना है। तो मैं बने रही है, इसको रख रहे हैं अब 15-20 मिनट के लिए ढककर, ताकि वो अच्छा हो जाएगा। ये 15-20 मिनट तक। अब इसमें बनाना है चाशनी। ज्यादा हो गया पानी, अपने हिसाब से बनाओ। वैसे तो क्या है, इसमें डाल रही हूँ शक्कर में कम से कम 1-1.5 गिलास, थोड़ी कड़क चाशनी होनी। इसको चलाते रहना है जब तक शक्कर घुले ना, तब तक। देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। तो एंजॉय योर माय ब्लॉग, सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।
केसर फ्लेवर्स के लिए अच्छा रहता है केसर। ठंडी में वैसे तो सर्दी होती है, इससे तो ये सर्दी का काम बंद करने का काम करता है। तो मैं डाल दी हूँ केसर इसमें फ्लेवर के लिए, सर्दी भी नहीं होगी, गर्म आता है केसर, बहुत महंगा भी मिलता है। ये इतने सी डिब्बी कितने की है, 105 125। कितनी मस्त पैकिंग आती है इसकी देखिए, थोड़ी सी डालूंगी ये इतना फ्लेवर के लिए। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, बने रहिए लास्ट तक। इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची है वैसे डाल सकती हूँ मैं थोड़ा बहुत। फ्लेवर्स में तो ये डाल दिया है मैंने, ये आगे हो गया है आटा सेट। अब मैं बना के दिखाती हूँ, ये देखो मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, हल्के हाथों से करना है, ऐसे ऐसे गोल नहीं करना है, पूरा हल्के हाथों से करना है ऐसे, ठीक है। अपनी उंगली की मदद से उसको, उसमें ऑयल था, ऐसा सेट कर देना ताकि वो चाशनी इधर से अंदर तक ऐसे मस्त आ जाए। सो बने रहिए, देखते हैं। ये देखिए अभी इतनी बन चुकी है, मैं बना रही हूँ अभी, ज्यादा बड़ी भी नहीं करना है, साइज भी छोटा ही रखना है। ये देखो ये बन गई पूरी, अब मैं इसको तलूंगी। हाँ फिर आप खाओगे ना, कैसे खाऊंगे, यम यम कर करके। ये चाशनी हो गई है, इसको तल लूं तब तक अच्छी हो जाएगी और अच्छी। है ना, क्या बनाए? मैं बना रही हूँ लड्डू पेड़ा, बेबी के लिए लड्डू पेड़ा बना रही हूँ, बेबी खाते हैं ना। आटा थोड़ी ना है बेटा, ये आटा नहीं है अभी, ये अब ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं बनाती हूँ। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए, है ना बेटा। हो गई है वैसे चाशनी भी, चाशनी देख कितने मस्त बुलबुले आ रहे, देखो अच्छे ऐसी कड़क चाशनी बनना चाहिए। इधर ऑयल गरम हो रहा है, तो देखते रहिए ये कैसी लग रही है, कितनी मस्त दिख रही है देखो। अभी तलने के बाद भी दिखाती हूँ मैं, चूल्हा दिखाने आई है कि बोले मेरा चूल्हा भी देख लो, दिखा दो ये बेबी का चूल्हा, इस पे बनाओ मम्मा, है ना, इस पे बनाऊं,
इस पे थोड़ी ना बनता बेटा, इस पे तो गैस चालू भी नहीं होती है, इसके नीचे गैस चालू कर देंगे तो जल जाएगा ना। हाँ पकड़ो आपका चूल्हा, आप खाना बनाओ जाके, दूसरा वाला खाना बनाओ, ठीक है? हाँ ये हाँ आप खाना पराठा। ये डाल दी हूँ मैंने, अब तला रही है, गैस की लो कर दिया मैंने गैस को, तो कम कम आज में तलना है इनको, अंदर तक पकना चाहिए। अभी ये पक रहा है, इसको मुंद्रिया पे कम 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 में पकना है। क्या बना क्या बना, गोदी बिठा लो इसको, क्या बना सब दिखाओ, नहीं तो जब तक साड़ी नोचती रहेंगी है ना, गंदे का काम नहीं करते इसे, ये तो मम्मा दे देती है चाटा। हाँ मम्मा क्या बना, ये बन रहा है ना खाना फिर, ठीक है? क्या बना, अब खाऊंगी ना इसको पक्का। बोलो कि ना मेरे मम्मी की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मम्मी को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, देखते रहिए ब्लॉग को, ब्लॉग को। ये हो गई है बनके रेडी, आ जाइए खा लीजिए, किस किस को खाना है, ज्यादा फूल गई है वो सोडा डालने से, अभी वो हो जाएंगी वैसे बराबर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।